घर को ऑर्गेनाइज करने के लिए, घर को मेंटेन करने के लिए थोड़े बहुत भी आपको होम हैक्स पता हो तो बहुत ही लाइफ आसान हो जाती है, तरीकों से काम होता है और टाइम भी सेव होता है। तो इसी टॉपिक को लेते हुए यही मेरी चैनल है जहां पर हम ये सब बात करते हैं। आप देख सकते हो यहां पर मेरे पास इस तरह का ब्लैक एक पर्स है, चाहे इस तरह का स्लिंग बैग हो, टोट बैग हो, कोई भी इस तरह की लेदर वाली या कोई भी मटेरियल वाली बैग हो आपके पास, तो इस तरह की थोड़ी बहुत बटन्स, मोती वगैरह, लेस वगैरह आपके पास पड़ी ही रहती है। तो बस यहाँ पर आपको मैं यहाँ पर हॉट ग्लू गन से यहाँ पर एक बड़ा सा बटन लगा दूंगी, तो आप देख सकते हो सेकंड में इस पर्स का मैं कवर हो जाएगा और इंस्टेंट उसका लुक चेंज हो जाएगा। आप चाहो जहाँ भी इसको प्लेस कर सकते हो, मैं ऊपर की तरह इसको प्लेस करूँगी। इसी तरह आप मोती भी यहाँ पर लगा सकते हैं, हॉट ग्लू से सब कुछ अच्छे से लग जाता है। तो बस यहाँ पर इस तरह से लगा दिया है और इस तरह से हमारा पर्स बन के रेडी हो गया है। ये आइडिया आपको कैसा लगा? और अगर आपके पास इस तरह के आर्ट एंड क्राफ्ट की मटेरियल ना हो तो भी कोई कुर्ती वगैरह रहती है, टॉप वगैरह रहता है तो उसमें से निकलता है, तो आप यूज़ कर सकते हो। इसी तरह हमने अभी अभी ही जो भी एक्सपायरी डेट वाली मेडिसिंस थी उसको डिक्लटर किया था रिसेंटली, आपने देखा ही होगा। अभी मेरे पास ज़्यादातर कोई एक्सपायरी डेट वाली मेडिसिन है नहीं, तो भी मैं आपको एक दिखाती हूँ कि कोई भी एक्सपायरी मेडिसिन आपके पास हो, सिरप आपके पास हो, तो आपको बिल्कुल ही फेंकना नहीं, एक अच्छा सा घरेलू यूज़ उसका है। तो यहाँ पर जो भी आपके पास एक्सपायरी डेट हो वो ले लेनी है। यहाँ पर मैं एक मेडिसिन का यूज़ करके दिखाऊँगी। पानी लेना है, उसको इसमें घोल देना है और बस एक दो मिनट में अच्छे से लिक्विड हो जाती है, यानी कि पानी में मिक्स हो जाती है। फिर आपको क्या करना है कि जो भी सिंक हो, वॉश बेसिन हो, या फिर बाथरूम में पानी ड्रेन करने के लिए जो भी पार्ट दिया गया हो उसमें इस लिक्विड को आपको डाल लेना है। तब आपको ऐड करना है जब आपको शाम की क्लीनिंग वगैरह सब कुछ हो गया हो रात को और आपको पानी की ज़रूरत ना हो, तब तो क्या होगा कि पानी के साथ चली नहीं जाएगी, वैसे कि वैसे ही रहेगी और सारे ही जो कॉकरोचिस यानी कि जो भी इंसेक्ट्स वगैरह है वो सब मर जाएंगे और आपकी जो सिंक है एक बिल्कुल ही अच्छी और क्लीन हो जाएगी, इंसेक्ट फ्री हो जाएगी। इसी तरह इस तरह की नेल पॉलिश प्लेन वाली हो या शिमर कलर की हो या फिर ग्लिटर वाली हो, बहुत सारी आती है और कभी कभी हमारे साड़ी के मैचिंग या कुर्ती के मैचिंग हमारे पास बिंदी नहीं होती। यहाँ पर मेरे पास कलरफुल बिंदी है पर जो मुझे कलर चाहिए वो नहीं है, तो मैं क्या करूँगी, इस तरह का ब्लू कलर का शाइनिंग वाला नेल पॉलिश का यूज़ करूँगी। जो लाइट कलर की बिंदी है उसके ऊपर लगा दूँगी, जो मुझे कभी भी चाहिए नहीं, ग्रे कलर की साड़ी में है ही नहीं मेरे पास और मैं पहनती भी नहीं, तो उसके ऊपर मैंने इस तरह से कलर कर दिया है। जो भी बिंदी आपके पास ना हो उस मैचिंग की आपको नेल पॉलिश लेनी है और बिंदी को ट्रांसफ़र कर देना है। और इसी तरह की प्लेन बिंदी हो तो भी आप कोई ना कोई कलर कर सकते हो। तो इस तरह से नेल पॉलिश का यूज़ आप कर सकते हो और शाइनिंग वाली नेल पॉलिश हो तो बहुत ही अच्छा लुक आता है। और इसमें से कोई भी एक अगर आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसे ही यूज़फुल हैक्स इस चैनल को आपको देखने को मिलते हैं। इसी तरह आप रोटी बनाने में बिगनर हो, आपसे रोटी सॉफ्ट नहीं बनती, फुली फुली नहीं बनती, तो आपको क्या करना है कि रोटी का आटा जब आप गूंथते हैं तो आपको गूंथने के टाइम तो थोड़ा ऑयल लगा कर थोड़ा अच्छी तरह से मसलना है। मसलने के बाद कोई और कंटेनर भी में भी आप डाल सकते हो और जहां आटा आपने गुना है उसी कंटेनर में भी रख सकते हो। बस ऊपर आपको लीड ढक के 5 मिनट रखना है, उस दौरान आपको क्या करना है, जो भी प्रिपरेशन खाने की करनी है वो कर सकते हो। तो क्या होगा कि फिर आप रोटी बनाएंगे तो अच्छी सी सॉफ्ट और फुली फुली रोटी बन के तैयार हो जाएगी। तो इसमें से कौन सा हैक्स आपको अच्छा लगा वो कमेंट कर ज़रूर बताना। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट टू माई वीडियोज़।